अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। वेलकम टू आवर चैनल जेनेरिक वर्ल्ड। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.13 कंप्लीट कर ली है और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.14। दैट इज़ वेरी इजी एक्सरसाइज। सो फॉर दिस एक्सरसाइज यू हैव टू ओपन योर बुक। ठीक है, फर्स्ट यू डोंट नीड टू ओपन योर बुक, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द लेक्चर दैट आई एम going to give you. Okay, that is your book and we have to open, हमने open करनी है exercise 2.14। वैल्यू जो है वो उसका एक्सपेरिमेंट क्या है और बेस क्या होती है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है सबने। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे 2 की पावर 6 है। तो ये जो पावर होती है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, और ये जो जिसके ऊपर पावर होती है इसको कहते हैं हम लोग बेस। मैं फर्स्ट वर्ड लिख रही हूँ, बी से बेस होगा आपका और ई से एक्सपोनेंट। तो बेस आपके पास 2 है और एक्सपोनेंट आपके पास 6 है। क्वेश्चन में बोल रहा है बेस और एक्सपोनेंट बताओ इन सब के। तो यहाँ पर बी आपका क्या है, बेस है, और स्क्वेयर आपका क्या है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, ये 2 जो है वो आपका क्या है, एक्सपोनेंट। यहाँ पर 9 आपका क्या है, एक्सपोनेंट है, और टी आपके पास क्या है, बेस है। और इसी तरह से एम और एन में आपके पास जो एन है वो आपके पास क्या है, एक्सपोनेंट है, और एम आपके पास क्या है, बेस है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि बेस क्या होती है। बेस जिसके ऊपर पावर होती है वो बेस होती है, और जो पावर होती है उसको कहते हैं एक्सपोनेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर 3 की पावर 4 यानी कि इस फॉर्म में आपको गिवन किया हुआ है, तो आपने इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालना। जैसे 3 की पावर 4 है तो आप लिखेंगे, पहले कॉपी इस पर करिएगा ये क्वेश्चन, 3 को आप लिखेंगे 4 times। 4 times लिखने के बाद आप इनको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 3 9 9 3 27 27 को आप करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आएगा, 3 81 ना, 27 आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या आएगा, 3 7 21। ठीक है, 3 2 6 7 8। ठीक है, 81। तो इसका आंसर आपके पास क्या आया है, 81। यानी कि जितनी पावर है ना, मतलब उसको जो बेस है उसको 4 times लिख लेना है और फिर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपने फाइंड आउट करके यहाँ लिख देना। 3 times मल्टीप्लाई करोगे, पहले 7 को मल्टीप्लाई करोगे 3 times, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 343 जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपने इसका आंसर निकालना है, 13 को 2 times मल्टीप्लाई करके, और 2 को आपने 8 times मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसका आंसर फाइंड आउट करके आपने लिख देना। यहाँ पे एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये क्वेश्चन गिवन है मल्टीप्लाई के फॉर्म में और आपने इस फॉर्म में लिखना, जैसे 2 की पावर 6। अब यहाँ पर देखो 5 है ना, 5 कितने टाइम्स है, 4 times है, तो आप लिखोगे 5 कितने टाइम्स है, 4 times, ऊपर 4 आएगा, उसके ऊपर आएगा, साथ नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ पे 3 कितने टाइम्स आएगा, 1 2 3 4 5 6 times है, तो 3 की पावर 6 जो है वो इसका आंसर है। बी कितना है टाइम्स है, बी की पावर 4 जो है वो ये इसका आंसर है। और यहाँ पर यू, 2 different values है, तो यू जितने टाइम्स है वो लिखेंगे और वी जितने टाइम्स है, यानी कि यू की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय वी जो है वो आपके पास कितने टाइम है, 2, ये आपका आंसर है। इसी तरह से आप ये वाली वैल्यू भी फाइंड कर लोगे, 7 का स्क्वायर आएगा और 11 के ऊपर पावर 4 आएगी। यहाँ पे ए क्यूब आएगा, सी क्यूब आएगा, सी 4 आएगा, और डी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। यानी कि आपने पहले क्या करना है, 343 का एलसीएम लोगे आप, इस तरीके से कॉपी पर करिएगा, 343 लिखेंगे आप। ठीक है, और फिर जब 343 लिख लेंगे फिर आप इसका एलसीएम लोगे, यहाँ पे आएगा 49। ठीक है, और फिर आप 7 7 द 49, और फिर 7 1 द 7 आएगा, मतलब आप लिखोगे इसको
सेवन आपके पास कितने टाइम आएगा, थ्री टाइम्स। यहाँ पे पहले मेंशन करोगे जैसे अभी मैंने ये किया था, सेवन को थ्री टाइम लिखने के बाद आप ऊपर दे दोगे पावर सेवन की पावर थ्री, आपका आंसर आएगा सेवन थ्री। ठीक हो गया, आपने ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेनी है। ये बहुत इजी एक्सरसाइज थी और आप लोग जो है वो इसको अपने कॉपीज पर करिएगा और ये आई होप सो हो जाएगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.15। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।